नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अगर कोई प्रत्याशी मतदान के दिन भी सुर्खियों में रहकर वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? निश्चित तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। लेकिन तब क्या हो जब चुनाव आयोग भी उसी प्रत्याशी का चहेता हो और उसी प्रत्याशी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी की हो? अब आप समझ रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो बनारस से खुद प्रत्याशी हैं। 1 जून को मतदान है, उनके लिए लोग वोट करने आएंगे और नियम यह कहता है कि चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद आप साइलेंट मोड में रहेंगे, कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिससे वोटर्स प्रभावित हों। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अनोखी तरकीब निकाल लेते हैं। इस बार उन्होंने जो तरीका अपनाया, एक तीर से कई शिकार करने जैसा, कि ना तो कोई मेरे खिलाफ आवाज उठा सकता है, कोई बोलेगा तो हिंदू विरोधी है, अगर कोई इस पर सवाल खड़ा कर देगा तो भाई हम ध्यान करने जा रहे हैं किसी को क्या आपत्ति है। लेकिन अब यह मामला चुनाव आयोग द्वारा नहीं सुने जाने के बाद हाईकोर्ट पहुंचा है और जो तर्क हैं, जो फैक्ट हैं, वो वाजिब हैं। दरअसल यह नियम कहता है कि डायरेक्ट वे या इनडायरेक्ट वे में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कहता है, बेसिकली जो अब मोदी कोड ऑफ कंडक्ट है, वो यह कहता है कि 48 घंटे के दरमियान तक आप किसी भी तरीके से वोटर्स को प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ध्यान करने गए तो फिर 10 कैमरों का एंगल क्यों लगा? अलग अलग एंगल से अलग अलग पोजीशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है और बाकायदा उसके क्लिप वायरल कर देश की जनता के सामने परोसा जा रहा है कि लीजिए देखिए, सनातनी, सबसे बड़े सनातनी भगवान नरेंद्र मोदी, प्रभु श्री नरेंद्र मोदी किस कदर परमात्मा से कॉन्टैक्ट बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ के साथ साथ बाबा नरेंद्र मोदी के लिए भी आराधना करनी है और वोट करना है। खुद प्रभु श्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लीन है तपस्या में। अब यह वीडियो गोदी मीडिया 24/7 अपने चैनल पर दिखा रहा है, खूब महिमा मंडन भी हो रहा है। लेकिन अब मद्रास हाई कोर्ट में यह मामला शिकायत के लिए पहुंचा है और यहां यह कहा गया है कि मोदी जी को मीडिया कवरेज से दूर रखिए। इससे किसी को आपत्ति नहीं है कि वो ध्यान में है या तपस्या कर रहे हैं, ये उनका निजी मामला है। लेकिन जो मामला निजी है उसे देश की जनता के सामने, वो भी एक प्रत्याशी के तौर पर प्रचारित करने की जो कोशिश हो रही है, यह चुनाव अभियान का हिस्सा लगता है। यह सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस मामले को पहले ही चुनाव आयोग के पास शिकायत के लिए भेजा गया था। यहाँ CPIM के एक लीडर ने चिट्ठी भी लिखी थी कि यह सुर्खियों में बने रहने का तरीका है, इससे मतदान की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है, कृपया ऐसा ना करने दें, चुनाव आयोग रोक लगाए। लेकिन चुनाव आयोग कार्रवाई करे तो कैसे करे? जिस प्रत्याशी के खिलाफ मामला गया है उसी प्रत्याशी ने तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी की है, वो कहां से कार्रवाई करेंगे? ऐसे में अब मद्रास हाईकोर्ट मामला पहुंचा है और मद्रास हाईकोर्ट को इस मामले में तय करना है क्या 1 जून को भी प्रधानमंत्री मोदी के तपस्या के वीडियोज वाराणसी के वोटर्स के बीच फैलाए जाएंगे ताकि वो सब TV पर देखकर, गोदी मीडिया चैनल्स 24/7 देखकर, सोशल मीडिया में वायरल उनकी तस्वीरें वीडियोज देखकर मतदान करने का डिसीजन ले? क्या यह अनुचित नहीं है? क्योंकि चुनाव आयोग के दफ्तर में चुनाव आयुक्तों के पास जाकर धाकड़ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा था कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है, जब चुनाव प्रचार के डेडलाइन खत्म हो जाते हैं तो 48 घंटे के दौरान वो साइलेंट पीरियड होता है, इस दौरान डायरेक्ट वे या इनडायरेक्ट वे में आप मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सकते हो। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास अपना तरीका है, तरीका अनोखा है कि भाई बोलेगा कौन, जो बोलेगा हिंदू विरोधी कहलाएगा और खुद प्रधानमंत्री स्वयं प्रभु हैं, सुरेंद्र मोदी हैं, तो उन्हें तो और कोई नहीं बोल सकता है। सब मुद्दों को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में जो याचिका पड़ी है उसमें क्या कुछ कहा गया है वो रिपोर्ट अभी हम आपको दिखाते हैं। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट में ही 8 मई को भी एक और याचिका गई थी और वहां भी मामला यही था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में अनर्गल भाषणों का प्रयोग करते हैं या फिर
वहां भारतीय जनता पार्टी ऐसे कंटेंट को शेयर कर रही है सोशल मीडिया पर जो कि एमसीसी का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिससे आप अभी मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं, उसका उल्लंघन हो जाता है। जेपी नड्डा और अमित मालवीय को तलब भी किया था। खैर वो मामला अभी तक सुलझा या नहीं सुलझा या अलग बात है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट जीतने के लिए ये कौन सा नया तरीका अपनाए हैं और यह मामला कैसे हाईकोर्ट पहुंचा है। इसमें कहा गया है इनडायरेक्टली कैनवेसिंग वोट्स टीएन कांग्रेस कमिटी मूव्स मद्रास हाईकोर्ट अर्जिंग ईसीआई टू टेक एक्शन अगेंस्ट पीएम मोदी मेडिटेशन एट विवेकानंदा रॉक। विवेकानंदा रॉक पर जो ध्यान लगाने प्रधानमंत्री मोदी गए हैं, चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वो तुरंत कार्रवाई करे, एटलीस्ट उनके ध्यान को कोई भंग ना करे। लेकिन जो इर्द गिर्द उन्होंने मीडिया तांडव मचा रखा है, उस मीडिया तांडव को तो रोके जो देश भर में यह फैला रहा है कि देखिए सबसे बड़े हिंदुत्व के ठेकेदार प्रभु श्री नरेंद्र मोदी खुद इतनी तपस्या में है, काशी में बाबा विश्वनाथ और फिर तमिलनाडु में बाबा नरेंद्र मोदी, तो क्यों ना इन्हें वोट को प्रभावित करने का आरोपित माना जाए। यहां पर चलिए दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में क्या कहा गया है। यहां लाइव लॉ ने लिखा है कि कांग्रेस कमेटी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि हालांकि प्रधानमंत्री की विवेकानंद रॉक यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें चरण के अंतिम मतदान के दिन मौन अवधि के दौरान उनकी यात्रा हिंदू भावनाओं को भड़काने और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके वोट हासिल करने का एक प्रयास है। बिल्कुल इसी मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है कि कोई मीडिया का इस तरीके से दुरुपयोग कर अपने ध्यान को भी प्रचारित कर एकाग्र रह सकता है क्या? वो जब ध्यान इसलिए कर रहे हो कि भाई हमारे वोटर्स देख लें कि हम कितने बड़े हिंदू धर्मी हैं और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें वोट चाहिए, कुछ इस तरीके का ही यह अपील मालूम पड़ता है। यहाँ कहा गया है, दलील दी गई है कि सातवें चरण का मतदान 1 जून 2024 को प्रस्तावित है, कूलिंग पीरियड पहले ही शुरू हो चुका है और 30 मई 2024 की शाम से किसी भी तरह का प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री समेत किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी तरह का प्रचार प्रसार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने ध्यान के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं से संपर्क कर रहे थे। अब यहाँ जो सवाल उठा है कि वो मतदाताओं से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, उससे वोटर प्रभावित होकर अगर इन्हें वोट करते हैं तो यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन क्यों नहीं माना जाए? चुनाव आयोग तो अपने दम पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को डायरेक्ट नोटिस भेजने की हिम्मत चुनाव आयोग कर ही नहीं सका और चुनाव आयोग तो अपनी ही बातों से पलटता है। जब 17C का डेटा इनसे मांगा गया तो इन्होंने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में कहा बहुत इसमें दिक्कत हो जाएगी, भ्रम जाल फैल जाएगा, जनता को परेशानी हो जाएगी, ऐसा नहीं कर सकते, बहुत समय लगेगा। लेकिन 24 घंटे बाद चुनाव आयोग अपने ही मन से डेटा उपलब्ध करा देता है, कमाल का खेल होता है। तो इस चुनाव आयोग का केंद्र बिंदु कहाँ है, कौन इशारे देता है और कब कैसे काम होता है, खुद सीईसी राजीव कुमार जानते होंगे या उनके सहयोगी जानते होंगे। यहां देखिए कहा गया है टीएनसीसी का आरोप है कि आधिकारिक मीडिया के जरिए जो मद्रास हाईकोर्ट में याचिका गई है, टीएनसीसी का आरोप है कि आधिकारिक मीडिया के जरिए इस ध्यान को प्रसारित करना, प्रचार करना और आचार संहिता का उल्लंघन करना होगा जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव अपराध है। आगे कहा गया है कि अगर चुनाव आयोग इस कार्यक्रम को बंद नहीं करता है तो इससे विपक्षी दलों को नुकसान होगा क्योंकि वे शांत अवधि के दौरान प्रचार नहीं कर सकते। ऐसे में तो हर उम्मीदवार बराबर अनुष्ठान करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए, मीडिया बुला ले, कवरेज करे, कुछ भी कर सकता है, कौन रोकेगा। यहाँ याचिका में आगे कहा गया है, जरा दिखेगा कि चूंकि 3 दिनों के दौरान आम जनता को वहां जाने से रोक दिया गया है, इसलिए पर्यटकों के स्वतंत्र रूप से घूमने के मौलिक अधिकार तथा व्यवसाय में लगे लोगों के आजीविका कमाने के अधिकार भी प्रभावित होंगे। क्या कोई प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे, अपने ध्यान को ही प्रचारित करने के चक्कर में आम जनता को प्रभावित कर दे? ये तो आम जनता को वैसे भी प्रभावित कर रहे हैं और वाराणसी में वोटर को प्रभावित करेंगे, ये दोनों मामला इन पर बन जाता है। यहाँ इसलिए कहा गया है चुनाव आयोग से मद्रास हाईकोर्ट के हवाले से कि जरा कार्रवाई तो कर लीजिए।
इस रिपोर्ट में कहा गया है, फेज 7 के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में आधिकारिक पदों के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में तमिलनाडु के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को अंतरिम निर्देश देने की भी मांग की गई है। वे प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान पर्यटकों और हिंदू श्रद्धालुओं को विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने से ना रोकें या किसी भी तरह से व्यावसायिक परिसर को बंद ना करें। यह वहां के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भी एक नोटिस थमाने के लिए कहा गया है। कोई इंटरिम ऑर्डर आप पारित करें, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट क्या यह कर सकता है? क्या मद्रास हाईकोर्ट इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन मानेगा? क्योंकि मोदी जी ने तो तरकीब अच्छी लगाई है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को क्या रिपोर्ट करना है यह हम कैसे तय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी समय समय पर कोर्ट का निर्देश आता है कि इस मामले में मीडिया ट्रायल बंद हो, इस मामले में मीडिया कवरेज बंद हो कहा जाता है। तो यह तो चुनाव का मामला है, खुद मोदी जी उम्मीदवार हैं, ऐसे में एक्शन तो होना चाहिए। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, हाईकोर्ट में भी छुट्टी चल रही, लेकिन यहां पर अब याचिका लिस्ट हुई या नहीं, रजिस्ट्री के पास मामला तो पहुंचा है लेकिन रजिस्ट्री ने नंबर इस पर अभी नहीं चढ़ाया है। इंतजार करना होगा कि इस मामले में क्या आज ही रात सुनवाई हो जाएगी या फिर अहले सुबह सुनवाई की जाएगी, क्योंकि कल भी अगर प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही चुनाव प्रचार का तरीका अपनाते रहे, ध्यान तपस्या करते रहे और इसकी कवरेज लगातार जारी रही तो वोटर्स प्रभावित होंगे। कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया तो चुनाव आयोग तो पहले से धृतराष्ट्र बना पड़ा है, निष्क्रिय बना पड़ा है, कोई एक्शन कहां से लेगा? तो देखते हैं कि इस बार के चुनाव में वाराणसी की जनता क्या मोदी को इसी आधार पर वोट करेगी। राम मंदिर बनाने वाले खुद तपस्या कर रहे हैं, वोट दीजिए भैया, झोली भर के वोट कीजिए, हाईकोर्ट को तय करने दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।